आपने देखा कि पिछली वीडियो हमने यहाँ तक अपनी वीडियो को वर्क ले दी। इसका मैं आउटपुट भी दे देता हूँ। इसका आउटपुट यहाँ पे आ रहा था, थैंक यू फॉर विजिटिंग एन डब्ल्यू बाबा अकेडमी। इसमें हम लिंक एरर को शो कराना चाहते थे और हम अपने कस्टमर से या फ्रेंड को बताना चाहते थे कि आपने ये प्रैंक किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे दो प्रैंक किया था और मैंने आपको बताया था कि हम अगली वीडियो में इंटीरियर सॉरी हम डिफाइन करने वाले हैं यहाँ पर अब एरिज का, ठीक है। तो एरे को डिफाइन करने पहले से पहले मैं एक कमेंट लाइन ले लूँगा, ठीक है। और जहाँ पर मैं जिस एरे को डिफाइन करना चाहता हूँ, हमारे पास एरे काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास एरे है अभी के लिए इंडेक्स, ठीक है। मैं एक्चुअली यहाँ पे नाम ले लेता हूँ, ठीक है, एरे मैं यहाँ पे फर्स्ट लूंगा। और यहाँ पे ऐसे करते करते हमारे पास टू टाइप्स के एरे होंगे, जैसे कि हमारे एन एस एरे टू एसोसिएटिव एरे, एसोसिएटिव एरे, मल्टी डायमेंशन एरे एंड मल्टी डायमेंशन एरे, ठीक है। इस प्रकार से एरे है हमारे पास, तो इसके लिए मैं यहाँ पे नाम ले लेता हूँ, या चलो डी में ऐसा नाम नहीं बिल्कुल डिपेंड कर देता हूँ, ठीक है। इसके लिए हम करने वाले हैं कि यहाँ पे मैं एक एरे लेना चाहता हूँ, एरे को साइनिंग टाइम डॉलर शिप लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसके लिए सिर्फ ए आर ही रखना चाहता हूँ, और यहाँ पे जो मैं एरे को ट्राई करना चाहता हूँ वो है हमारा एरे, ठीक है। मैं यहाँ पे एरे को एंटर कर देता हूँ। अब मैं एंटर के जो वैल्यू डालना चाहता हूँ, जैसे कि 1 9 डाली यहाँ पे, एंड टू वैल्यू डाली एंड थ्री वैल्यू डाली, ठीक है। उसके बाद जो हमारी वैल्यू जो होती है, उसके बाद हम सेमी कॉलन्स लगाते हैं, ठीक है। उसके हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे फोर इच का, और देख सकते हैं यहाँ पे फोर इच आ भी चुका है। तो हम फोर इच में जो वैल्यू है वो हम उसको क्या प्लान करना चाहते हैं, तो ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे ए आर लेंगे, और मैं चाहता हूँ कि ए आर के बाद कोई वैल्यू डिफाइन हो। एक्चुअली मैं इसका अभी के छोड़ देता हूँ, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि हमें यहाँ पे करना क्या वाला था, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे अपना एक कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। कर्ली ब्रैकेट में हम करना चाहते हैं वैल्यू को प्रिंट, ठीक है। ये को मैंने लिया यहाँ पे, और ये को जो वैल्यूज है मैं यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, वैल्यू इच वैल्यू करना चाहते हैं, वैल्यू इच। मैं चाहता हूँ कि मैं एक्चुअली इसको भी अभी के लिए छोड़ देता हूँ, या फिर चलिए मैं इसको यहाँ पे कसर कर लेता हूँ। इसका मतलब मैं यहाँ पे करूँगा इसको, तो मेरे को एक दो काम करने पड़ेंगे। पहले तो मैं यहाँ पे ए आर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे 10 कर दूँ, और मैं यहाँ पे डॉलर में लिखूँ, सॉरी डॉलर वैल्यू, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो वैल्यू है हमारी वैल्यू को नाम लगाएगा, जैसे वैल्यू 1, वैल्यू 2 एंड वैल्यू 3, ठीक है। यहाँ पे 3 दे दिया है हमें, तो यहाँ पे 3 तक हो जाएगा, और मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ बढ़ भी जाएगा। इसके लिए हम चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि मैंने यहाँ पे वैल्यू लिया वैल्यू इच मैं करना चाहता हूँ, जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है डॉलर वैल्यू, ठीक है। और आप इसके अलावा कोई भी और कोई भी चीज़ प्रिंट करना चाहते हैं तो सिंपली वो भी प्रिंट करा देगा यहाँ पे। मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन्स लगाया, सेमी कॉलन्स लगाने के बाद यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया। जब मैं इसको फाइल को सेव करूँगा और यहाँ पे रिप्लेस करूँगा, तो हमारे सामने जो आउटपुट आएगा, देखो वैल्यू H1, वैल्यू H2 एंड वैल्यू H3। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वैल्यू एक और डिफाइन कराए, वो है हमारी 4, ठीक है। मैं यहाँ पे 5 भी ले लेता हूँ, मैंने एक्चुअली 4 ही ले लिया इसको, तो मैं यहाँ 5 लेना चाहता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ फाइल सेव करूँगा और उसके बाद मैं रिप्लेस करूँगा। देख सकते हैं वैल्यू H1, 1, 2, 3, 4, 5 सारी सारी वैल्यू, और सबके आगे वैल्यू जो है ना आ रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो वैल्यूज है उसको हमें एक ब्रेक का भी लगा देते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ब्रेक टाइप का यूज करूँगा और मैं यहाँ पे 10 करूँगा। फिर मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस करके देखता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे H1, H2, H3, H4 एंड H5। इस प्रकार से आप ब्रेक प्लान से इस वैल्यू को प्लान कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपली टाइप से यहाँ पे दिखा दिया, जहाँ पर हमें ये शो कराएगा कि यहाँ पे हमें यहाँ पर वैल्यू डिफाइन करनी है। जब यह वैल्यू डिफाइन 1 को डिफाइन करता है, उसके बाद हम सेकंड पे जाएगा, सेकंड कर देगा, उसके बाद थर्ड एंड फोर एंड फाइव, इस प्रकार से हम वर्क करेगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे एस डॉलर वैल्यूज को लगाया। अब मान लीजिए मैं इसको नहीं लगाना चाहता, फिर क्या होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पास करूंगा और हमें सिंपली एक खूबसूरत सी एरर मिलने वाली है। अभी ये देख सकते हैं यहाँ पे खूबसूरत सी एरर मिली है। इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे डॉलर H10 लिखा हुआ है, मैं इस यहाँ से इसको हटा दूंगा यहाँ से अभी के लिए, और जो मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ वो सिंपली वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ ही को, और ये इसको मैं हटा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए हमें करना पड़ेगा डॉलर AR, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से प्रिंट कर दूँ, और उसके बाद देखते हैं हमें कौन सी सारी ऑप्शन एरर्स आएगी। इसके लिए हम करने वाले हैं 4H लिखा हुआ है, 4H को एक्चुअली मैं यहाँ पे, या फिर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ अभी के लिए, मैं हटा नहीं दे रहा इसको, मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ क्योंकि हमें इसकी अभी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से कमेंट दे दिया, और यहाँ पे ये मल्टीपल लाइन कमेंट्स होता है, आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मल्टीपल लाइन का यूज किया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एरे लिखा है, और एरे और जो 4H लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं इसको उठाकर यहाँ पे इको करना चाहता हूँ, ठीक है। और जो वैल्यू है वो सिंपली हमें यहाँ पे प्रिंट करा देगा, जैसे वैल्यू 1, वैल्यू 2 या 3। वार्निंग एरे इज द स्टार्टिंग कन्वर्जन ऑफ लाइन 4 एरे।
यहाँ पे एरे तो आ चुका है, बट यहाँ पे जो वैल्यूज है उसको पेंड नहीं कर रहा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये मैं इसको हटाऊंगा यहाँ से, और उसके बाद डॉलर ए आर ठीक है, जो कि हमें पेंड किया गया है, और मैं यहाँ पे सेविंग कॉइन्स लगाऊंगा। जैसे मैं यहाँ सेविंग कॉइन्स लगाया और मैं इसको फिर से रिप्लेस करूंगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे जैसे वार्निंग आ रही है, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे वैल्यू ट्रेड कर गया था। इसके बाद हम यहाँ पे फोर इच का यूज कर लेंगे, जो कि हमें पहले से यूज करने वाला था, इसकी वजह से हम यहाँ पे एरे का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपको सारी तो डिफाइंड वैल्यू करवाई, जहाँ पर आप किस खूबसूरत सा एक एरस देख सकते थे, ठीक है। एरस मैं इसको यहाँ से डालूंगा। उसके बाद जो हम वैल्यू यहाँ को डिफाइन करेंगे, इसको जैसे ही मैं इसको प्लान करूंगा, और हमें एक वैल्यू दिखा फाइंड करेगा आएगा जी, जिसका नाम है, एक्चुअली मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे फोर इच लिखा हुआ है, फोर इच डॉलर, और यहाँ पे मैंने एक अस लिखा हुआ था, और इसके अलावा यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे दोबारा से लौटा के, जो हमने हमें और सॉरी यहाँ से मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद हम डिफाइन करेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ काफ़ी सारी एरर्स आ चुकी हैं। अभी एरर्स क्या आ चुकी हैं, फिर देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे ए आर किया वैल्यू किया, ठीक है, यहाँ पे डॉलर वैल्यू, और यहाँ पे लिख रहे हैं ई को, मैंने यहाँ पे ई को में ए आर किया है ऑलरेडी। इसको हम क्या करने वाले हैं कि मैं यहाँ से लूँगा, और मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड में लिखूँगा वैल्यू, ठीक है, वैल्यू इज डॉलर ऑफ वैल्यू, ठीक है। और यही हमारे एरे का स्टेंस होता है, इसको आप में देख सकते हैं यहाँ पे पहले जैसे आने लगा है। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने अभी बताया था आपको बी आर, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू डिफाइन हो चुकी है। और जो अब तक आपने देखा, इसमें हम पहले को कवर करा सकते थे, और उसके सामने सेकेंड एरिक्स की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ए आर लिखा हुआ है, मैं सिंपली अभी के लिए इसको ए आर को उठा दूंगा यहाँ से, ठीक है, और जो है मैं यहाँ पे फोर इच को भी मैं ऐसा ही रहने देता हूँ। इसके लिए मैं अभी क्या करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे लूंगा डॉलर ए आर, जैसे मैंने अभी लिया था, ठीक है, और मैं डॉलर ए लेने के बाद मैं यहाँ पे एक वैल्यू डालना चाहता हूँ जीरो, यहाँ पे मैं, और ये जो जीरो जो वैल्यू दी गई है उसको मैं इक्वल करके यहाँ पे कोई इस जीरो वैल्यू में कोई फंक्शंस या मैं कोई चीज़ रखना चाहता हूँ। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि मान लीजिए मैं इसमें कार रखना चाहता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे कार रखी, उसके बाद हमने यहाँ पे सेविंग कॉइन्स लेंगे, जैसे मैंने कंप्लीट किया और अल्ट शिफ्ट से मैंने इसे 3 बार ट्रेंड कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें बाइक रखना चाहता हूँ, एक नंबर मैंने यहाँ पे जीरो रखा है, तो मैं यहाँ पे वन नंबर पे क्या रखूँ, मैं वन नंबर पे यहाँ पे बाइक रखना चाहता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसको भी यहाँ किया, और फिर मैं इस यहाँ पे एक अपना बस रखना चाहता हूँ, ठीक है, जीरो नंबर में नहीं बल्कि 3 नंबर, सॉरी 2 नंबर में, यहाँ पे मैंने यहाँ वन किया और यहाँ पे मैंने 2 किया। अब मैं क्या करूँगा, देख सकते हैं यहाँ पे 0 1 2 मैंने यहाँ लिखा हुआ, एक्चुअली यहाँ 1 2 3 से भी स्टार्ट करता था, लेकिन मैंने यहाँ पे जरूर किया। यार क्या करता है कि जो वैल्यू को प्लान करता है वो 0 से ही करता है। यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो इसके लिए हम फाइल को अभी सेव करेंगे, और मैंने यहाँ पे फायर को सेव नहीं किया एक्चुअली, और मैंने यहाँ पे फायर डायरेक्टली ट्रेन कर दिया। मैं फायर को सेव करता हूँ पहले तो, और जहाँ मैंने फोर इच लिखा है उसको हम सेम रहने देंगे वैल्यू, ठीक है, और उसके लिए हम यहाँ पे चलने वाले हैं, और मैं सिंपली यहाँ पे रिप्लेस करूँगा। देख सकते हैं वैल्यू इच कार, वैल्यू इच बाइक एंड वैल्यू इच बस यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें से और भी बढ़ा सकते हो, सॉरी मैंने यहाँ पे ट्रेन कर दिया, मैं यहाँ पे और भी बढ़ा सकता हूँ। इसके लिए यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे लिख दूँ साइकिल, ठीक है, और इस प्रकार से आप यहाँ से कोई भी टेंस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसके बाद, पहले तो हम इसी की बात कर लेते हैं, मैं यहाँ पे कोई भी नाम ले लेता हूँ, और जहाँ पे 2 किया है मैं वहाँ पे 3 कर दूंगा, और 3 की जगह और यहाँ पे 2 लिखा है वहाँ 4 कर दूंगा। जब फिर फाइल को सेव करता हूँ तो ये वैल्यू इसके 2 लाइन बढ़ जाएंगे, देखिए वैल्यू साइकिल वैल्यू एफजेड जैसे मैंने दिया हुआ है। इस प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं एसोसिएटिव एरे, ठीक है। एसोसिएटिव एरे में क्या होता है कि मैं यहाँ पे चेक कर को प्रिंट कर दूँ, पहले तो मैं इन सब यहाँ पे वो लिखा हुआ है इसको मैं एक्चुअली बिल्कुल गायब करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको बैक किया और मैं यहाँ पे एक नीट बना चाहता हूँ, इसको बोलते हैं हम सैलरी, ठीक है। यहाँ पे आप सैलरी के अलावा कुछ भी ले सकते हैं, मैं एक्चुअली यहाँ पे एक नेम ही लेना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने इक्वल किया और मैं चाहता हूँ ये एरे एरे टाइप में, ठीक है। तो जहाँ पे जो एरे लिया हुआ है मैंने यहाँ पे एक ब्रेकेट लगा देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ लिखूँ मेयरमैन, ठीक है, मेयरमैन, और मैंने यहाँ मेयरमैन लिया, और जो वैल्यू है इसकी मैं यहाँ पे लेस देन से ले जाता हूँ, तो 2000 ले देता हूँ, 1 2 3, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यू लगाया, और मैं स्टेलिन करना चाहता हूँ यहाँ पे स्टेलिन, ठीक है, मैंने क्या क्या होगा, एक्चुअली मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे एक गलती की है कि मैं यहाँ पे रख दिया था, मैंने यहाँ पे वो मेरे को यहाँ पे रखना था, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू आप
एकदम लैटिन टाइप लग रही है, जब तक उसमें आ रहा था वो। ठीक है, अब हम करने वाले, मैं यहाँ पे एक ठीक है मैंने लगा दिया है, मैं डबल क्रिमिनल लिया और मैं आप चाहता हूँ स्टैलियन। ठीक है, स्टैलियन लिया और जो हम यहाँ पे यूज करने वाले थे एक कॉल वाला अपना और लेस देन का, ठीक है मैंने यहाँ लिया और मैं इसको करना चाहता हूँ 100, 1, 2, 3, सॉरी 1000, मैंने यहाँ पे 1000 ले लेता हूँ। ठीक है, उस सॉरी, इसके अलावा हम लेना चाहते हैं यहाँ पे एंगल। ठीक है, एंजल या फिर एंगल, ठीक है एंगल, एंगल को जो है मैंने यहाँ पे पहले बाहर निकलूंगा यहाँ से, उसके बाद इक्वल ठीक है लेते हैं, और उसके बाद हम इसको 500 रखना चाहते हैं, 500। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 100 रख दिया और उसके बाद हम यहाँ पे सेविंग कॉल चलेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू को प्रिंट कराना है हमें, तो इसके लिए हम जैसे देख सकते हैं इक्वल प्रिंट का यूज लेते लेते थे, तो मैं यहाँ पे इको ही लूँगा और इको मैं सॉरी यहाँ से, ठीक है इको में यहाँ सैलरी मैं जो कि मैं पहली वैल्यूज को यहाँ पे टिपन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहली वैल्यूज है हमारी क्या है, मेरमिन है, तो सैलरी इज मेरमिन। ठीक है, सैलरी इज मेरमिन, और जो वैल्यू है हम यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं उसका हम डॉलर जो हम देना चाहते हैं, सैलरी इज वहाँ पे हमने ऊपर दी है। ठीक है, सैलरी इज SALARIES। ठीक है, हमारी जब दे तो मैं यहाँ से एंटर, सॉरी एंटर मारूंगा, जैसे मैं यहाँ पे एंटर मारा हमारा हो गया गड़बड़। ठीक है, मैं इसको बैक कर लेता हूँ अभी के लिए, और डॉलर सैलरी इज, ठीक है सैलरी जो हमने दिया हुआ है अपने, तो मेरमेन को दिया गया है, तो मैं यहाँ पे सिंगल डॉट से लूंगा और मैं यहाँ लूंगा मेरमेन। ठीक है, मेरमेन डॉट बी आर, मैंने यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ कर दिया क्या, हाँ गड़बड़ कर दिया मैंने एक्चुअली, यहाँ पे मेरे को सेमी कॉलन से भी लगाना था। ठीक है, अब पहले जो वैल्यू में लिखी है अब सिंपली इसको ये वैल्यू डिफाइन कराएगा, पहले तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके देख लेता हूँ कि कोई एरर आ रही है, देख सकते हैं सैलरी मैंने की यहाँ पे दूसरी पहली वैल्यू आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे सेकंड वैल्यू को यहाँ पे डिफाइन करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं क्या करूँगा अल्ट शिफ्ट से मैं 2 बार कर दूंगा और क्योंकि हमारे पास सेकंड वैल्यू है, इसके लिए मैं यहाँ पे स्टैलिन को एक एक जगह मैं स्टैलिन रख जाता हूँ और एक जगह एंगल रखूंगा। ठीक है, स्टैलिन, और इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँ एंगल, मैंने यहाँ पे एंगल लिया और जो वैल्यू है मैं इसके भी नेम चेंज कर दूंगा, जैसे मेरबिन है, स्टैलिन है एंड एंगल। ठीक है, एंगल, और मैं इनके बाद यहाँ पे एज ले देना चाहता हूँ, एज। ठीक है, और मैं इसको फिर रिफ्रेश करके देखूंगा, देखना सारी की सारी वैल्यू डाल रही है, जैसे बैलरी इज मेरमेन एंड बैलरी, यहाँ पे मेरमेन आ चुका है, स्टेलिन आ चुका है एंड एंगल आ चुका है, यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू डिफाइन कर रहे थे। इस प्रकार से आप इस सैरीज को वैल्यू में डिफाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है, अब इसके बाद हम करना चाहते हैं एसोसिएटिव एरिया ऑफ 2। ठीक है, मैंने यहाँ पे एरिया सिंपल वाला था, अब मैं इसको 2 में लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि पहले तो मैं यहाँ पे ये काम करूंगा कि जो मैंने यहाँ पे एंगल्स दिए वो सिंपली यहाँ पे रहने ही दूंगा। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे एक डिपेंड वैल्यू लेंगे और मैं इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको उठाया इस यहाँ से, और जो हमने यहाँ पे ले लिया था सैलरीज, ठीक है मैंने यहाँ पे सैलरीज लिया, सैलरीज को मैं यहाँ पे मेरमेन करना चाहता हूँ अपने। ठीक है, मेरमेन, और इसको जो है मैं देना चाहता हूँ इसकी हाइट वगैरह जो है, तो यहाँ पे मैं इसको हाई रख दूंगा या फिर, ठीक है एच जी है, ठीक है हाई, इसको यहाँ सेविंग कॉन्स का प्रयोग करेंगे, उसके बाद मैं आर्ट शिफ्ट 2 बार पेंट कर लूँगा और हम रखना चाहते हैं मीडियम एंड लो। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको लो कर लेता हूँ इस वाले को, और मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ मीडियम। ठीक, और इसके हम नाम दे देंगे, यहाँ पे मैं स्टेलिन देना चाहता हूँ जैसे कि हमने पहले वाले में दिया था स्टेलिन, और इसको हम यहाँ पे दे देंगे एंगल। ठीक है, एंगल, और यहाँ पे एंगल दिया, और जो हमने वैल्यू पहले प्लान किया थी उसी प्रकार से हम यहाँ पे भी कह लिखेंगे इको। ठीक है, और यहाँ पे करना चाहते हैं हम सैलरी, जो कि हम पहले जो सैलरी लेना चाहते हैं वो हम चाहते हैं बेल मेरिटविन की। ठीक है, मेरमेनेज सैलरी इज मेरमेनेज। ठीक है, मैंने यहाँ मेर में नीच लिया, और उसके बाद हम यहाँ पे पॉइंट लगा के लिखेंगे डॉलर सैलरीज। ठीक है, सैलरीज
सैलरी, और यहाँ पे मैं लिया और सिंगल ट्रेंड लेंगे हम यहाँ पे, जैसे कि मैं लिखाए और यहाँ पे जो वैल्यूज है मैं मेरविन की लेना चाहता हूँ, मेरविन ठीक है। मैंने कहा मेरविन क्या है एक्चुअली, तो मैं मेरविन ही ले लूँगा यहाँ पे, वैसे हमें मेरविन करना था वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लेंगे हम, पॉइंट लेने के बाद मैं डब ट्रेंड लूँगा और यहाँ पे एक ब्रेक का यूज कर लूँगा मैं यहाँ पे ठीक है। ब्रेक लेने के बाद हम यहाँ पर सेमी कॉलन से यूज करेंगे, सेमी कॉलन लेने के बाद मैं यहाँ पे डबल पेंट कर लूंगा। और जो वैल्यू मान लीजिए कि मैं यहाँ पे स्टेलिन की वैल्यू लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे स्टेलिन ही ले लूंगा ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम एंगल का लेना चाहते हैं, तो एंगल एंगल ठीक है। अब एंगल हो गया यहाँ से हमारी जो सैलरीज है, वहाँ पे यहाँ पर भी मैं स्टेलिन लेना चाहता हूँ ठीक है, जो कि हमें शो करा है स्टेलिन। और जो हमें इस वैल्यू को पेंट करने से पहले हमें जो शो होगा उसके लिए मैंने यहाँ पे सारी सारी वीडियो ट्रेंड के लिए, जिससे हमें पता चल जाए कि ये वैल्यू कौन सी है। देख सकते हैं यहाँ पे सैलरीज हाई मीडियम एंड लो आ रहा है ठीक है, तो इस प्रकार से आप ट्रेंड कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि मल्टी डायमेंस एरे, अब हम मल्टी डायमेंस एरेज को देखेंगे यहाँ पे। इसके लिए पहले तो मैं इस जो है यहाँ पे लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे क्लियर किया और मैं चाहता हूँ कि पहली जो वैल्यू है वो मैं कार्स में लेना चाहता हूँ ठीक है। कार्स कार्स लिया मैंने यहाँ पे, इक्वल किया, इक्वल जो एरे है मैं इसको एरे करना चाहता हूँ ठीक है। मैंने यहाँ पे एरे लिया और जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे करूँगा वो, उसके के लिए मैं यहाँ पे एरे लूँगा ठीक है। उसको मैंने एरे के अंदर भी एरे लेना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे एक पेन लिया, उसके लिए मैं यहाँ पे करूँगा वॉल्वो ठीक है। मैंने एक वॉल्वो लिया, इसकी जो वैल्यूज है वो मैं यहीं पर डिफाइन कर दूंगा एक्चुअली ठीक है। वैल्यू मानी 22 एंड 18 है ठीक है। अब मैं इस वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए क्या करूँगा कि मैं चलिए एक और मैं एक एरे ले लेता हूँ यहाँ पे, उसको मैं यहाँ पे करूँगा BMW ठीक है। पहले तो मैं यहाँ पे कॉमन लगाऊंगा और एरे करूँगा, एरे करने के बाद मैं यहाँ पे BMW ठीक है। उसके बाद हम यहाँ लगाएंगे और इसके बाद हम BMW ठीक है। मैंने यहाँ पे फोर व्हीलर्स का यूज किया है और इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैं यहाँ पे 15 एंड 13 ठीक है। मैं यहाँ पे दो वैल्यू ले लिया, अब मैं चाहता हूँ दो वैल्यू मैंने ले लिया, अब मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ एक दो। पहले तो हम इसके सही देखें एक दो यहाँ पे हमारे सारे के सारे ठीक हैं, तो इसके लिए के बाद हम यहाँ पे सेमी कॉलन्स का यूज कर लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे सेमी कॉलन्स का यूज किया। और उसके बाद हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं फोर इच का, जैसे हम पहले जो मैंने यहाँ पे दिखा दिया था फोर इच हमारा कैसे वर्क करता है वो एक्चुअली मैंने इसी वीडियो में बताया था। तो इसके लिए यहाँ पे डॉलर लेंगे और जो वैल्यू है हम कार्स ठीक है एंड अस डॉलर एंड वैल्यू ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू लिया, अब मैं चाहता हूँ कि इसको प्रिंट कराने के लिए हमें कर्ली ब्रैकेट्स की यूज पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा लूंगा। और मैं चाहता हूँ ये वैल्यू को प्रिंट करे, इसके लिए मैं यहाँ पे क्यू ठीक है इको डॉलर वैल्यू मैंने यहाँ लिया वैल्यू, और इसके लिए हम करना चाहते हैं 0 एंड 0 ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रिंट लिया, इसके लिए प्रिंट लिया और मैं यहाँ पे 0 किया। और जब मैं 0 0 यहाँ पे कर लिया, एक्चुअली ये वैल्यू जो 0 0 था वो हमें देखते हैं क्या डिफाइन कराएगा। इसके लिए मैं यहाँ पे पॉइंट लगा लूंगा और मैं यहाँ पे एक डबल पेंट लगाऊंगा, इसके लिए मैं यहाँ पे एक इसका भी यूज कर लूंगा और मैं करूँगा यहाँ पे इन स्टॉक ठीक है। उसके लिए वो तो मैंने सुबह के लगा लिया है, तो इन स्टॉक के बीच में यहाँ पे एक स्पेस भी ले लेता हूँ ठीक है। मैं यहाँ एक स्पेस लिया, उसके बाद हम सिंपली इसको भी बंद कर देंगे यहाँ पे। और मैं इसको जब मैं इसको बंद करूँगा तो मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू दूसरी डिफाइन करें, इसके लिए मैं यहाँ पे इसको लगा दूंगा ठीक है। फिर हम यहाँ क्या करने वाले हैं कि मैं यहाँ से डबल ट्वेंट ले लूँगा और फिर मैं यहाँ से पॉइंट का यूज करूँगा और फिर जो वैल्यूज है मैं डिफाइन करने वाला हूँ वैल्यू ठीक है। वैल्यू से डिफाइन करें 0 एंड 0 1 ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 0 लिया 0 1 लिया, मैं यहाँ पे इसको पॉइंट लगा के अपनी जो वैल्यू है वो मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, तो मैं इसके लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा और मैं यहाँ पे पॉइंट का यूज कर लूंगा फिर से। जैसे मैं यहाँ पॉइंट यूज किया, अब मैं चाहता हूँ कि जो वैल्यू है उस पैन करे सॉल्व में ठीक है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व ले लिया ठीक है। और मैंने इसके बाद ये इसका प्रयोग किया, अब मैं चाहता हूँ सॉल्व के बाद यहाँ पे न्यू वैल्यू जो डिफाइन है एक्चुअली मुझको यहाँ पे ठीक है मैं ये ले लिया। अब मुझको यहाँ क्लोज स्नैप करना था, इसके लिए मैं यहाँ पे ले लिया। अब मैं चाहता हूँ पॉइंट एंड डॉलर ठीक है, और डॉलर में आप करना चाहते हैं वैल्यू, मैंने यहाँ वैल्यू लिया ठीक है। वो सॉरी यार क्या हो गया ये, मैंने काफ़ी तरह लिख लिया, मैं इसको यहाँ से बैक कर देता हूँ अभी के लिए, इसको भी मैं यहाँ से हटाऊंगा ठीक है। और ये क्या लग गया डी, इसको भी मैं यहाँ से गायब करूँगा ठीक है। और इसके लिए हम करना चाहते थे यहाँ पॉइंट एच
सॉरी डॉलर का यूज करेंगे हम, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू का यूज लेंगे ठीक है। मैं यहाँ पे वैल्यू लिया, वैल्यू में आप दूसरी वैल्यू डिफाइन करने के लिए 0 से 0 2 ले लेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे चेंज करेंगे और यहाँ पे मैं 2 लिया। ये होता है हमारा मल्टी डायमेंशन से एरे ठीक है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगा लूँगा और उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे डिफरेंट का यूज करेंगे, और मैं चाहता हूँ इसमें एक ब्रेक भी दे दूँ, तो इसके लिए हम यहाँ पे ब्रेक का यूज करने वाले हैं। बी आर पहले मैं इसको यहाँ पे यूज करूँगा, उसके बाद बी आर ठीक है। मैं यहाँ पे बी आर का प्रयोग लिया और यहाँ पे 10 आ गया। इसके बाद हम क्या करने वाले, मैंने इसका भी 10 लगाना था और मैं यहाँ पे सेमी कॉलर से लूँगा ठीक है। सेमी कॉलर देने के बाद हम इस फाइल को सेव करेंगे और उसके बाद रन करके देखते हैं कि होता क्या है। तो देख सकते हैं बिन वैल्यू एज सॉलिड ठीक है, बिन इंस्टेड ऑफ वैल्यू ऑफ सॉलिड एंड बी एम डब्ल्यू ठीक है। यहाँ से बी एम डब्ल्यू वाले यानी कि ये जो है स्टॉक वगैरह सब कुछ यहाँ पे शो करा रहा है और ये हमारा बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। इससे आगे हम देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ठीक है। प्रिंट आर एंड सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स, एक्चुअली मैंने मल्टी लाइन कमेंट्स बता तो दिया है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर प्रॉपरली बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में ठीक।